नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी लिस्ट में। दोस्तों बता दें, बिहार मद निषेध सिपाही का आपका यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आजकल में आने की उम्मीद थी, वेबसाइट पर देखेंगे तो रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। आप लोग जाके जल्दी से वेबसाइट से रिजल्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। हमने दोस्तों पहले डाउनलोड कर लिया है और ये है दोस्तों आपका रिजल्ट। केंद्रीय चयन पार्षद मद निषेध सिपाही के 365 पदों के रिक्ति हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम। दोस्तों बता दें, आपका यहाँ पर एग्जाम जैसा कि हुआ था, आपको यहाँ पर 27/2 को कुल यहाँ पर बता दें 2,70,288 यहाँ पे आपको अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें दोस्तों बता दें 2,34,000 अभ्यर्थी जो हैं सम्मिलित हुए थे। अब दोस्तों फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के लिए 5 गुना जैसा कि होता है उसमें सफल किया जाएगा। आपको बताएं दोस्तों कितने कैंडिडेट को यहाँ पर सफल किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें पदों की जैसा कि विवरण 365 है और इसमें टोटल आपको बता दें टोटल पदों के विरुद्ध 1825, 5 गुना जैसा कि 365 थे तो 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। और ये है दोस्तों आप लोग का रोल नंबर। जिन लोग को भी यहाँ पे रिजल्ट हुआ है, बहुत ही बड़ी शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत ही अच्छी नौकरी है और आप सभी को दोस्तों फिजिकल कब से होगा इसका भी अपडेट आप सभी को देंगे। इसमें दोस्तों नीचे देखेंगे तो फिजिकल का अपडेट से रिलेटेड भी आप सभी को दिया होगा, तो आप लोग वहाँ पर देख लेंगे। और फिजिकल यहाँ पर कब होगा, उसका प्रवेश पत्र कब आएगा, सभी चीज़ आप सभी को वेबसाइट पर और भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। लेकिन लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण में योग्य अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित यहाँ पे होना है। इसमें बता दें दोस्तों कब होगा इसका कोई भी डेट यहाँ पे दिया हुआ है, दे सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा PET आपको 26/4 से आयोजित की जाएगी। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी का 26 से होगा। और दोस्तों आपका बता दें इसमें क्या कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ दोस्तों जैसा कि यहाँ पे अच्छे से एग्जाम आपका हुआ था तो आप सभी का दोस्तों कम से कम यहाँ पे 60 से 70 नंबर जाने की यहाँ पे उम्मीद है। इनके बीच में जिनका भी लोगों का हुआ कि वो लोग यहाँ पे सफल है जनरल कैंडिडेट का, और उसी के हिसाब से यहाँ पे 60 से 65 नंबर, बात करें 65 से 70 जनरल का, और यहाँ पे 60 से 65 OBC, इस तरह दोस्तों 55 यहाँ पे प्लस मान के चलें आप सभी को। दोस्तों ये जो बता दें CSBC कोई भी कट ऑफ नहीं देता है, लिखित परीक्षा सिर्फ और सिर्फ PET में शॉर्टलिस्ट के लिए होता है। तो जल्दी जाए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके देख लें। और दोस्तों आप अपने नीचे कट ऑफ जरूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा था और आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद एक और विस्तृत कट ऑफ जो है एनालिसिस के हिसाब से लाएंगे। मिलते हैं और अपडेट्स, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।